हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम लोग बेयर मार्केट में, जिसको कहते हैं डाउनफॉल वाली मार्केट में, कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेसिकली आज मैं आपको इस वीडियो में उनको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, बेयर मार्केट क्या होता है। बेयर मार्केट ये होता है जिसमें क्या होता है कि साइक्लिक स्लो डाउन आ जाता है। साइक्लिक स्लो डाउन मतलब शेयर के प्राइसेस कंटिन्यूसली गिर रहे होते हैं, और शेयर के प्राइस ज़्यादा गिरने की वजह से क्या होता है कि मार्केट में एक पैनिक का माहौल बन जाता है। अब पैनिक के माहौल की वजह से क्या होता है, कुछ रिटेल क्लाइंट्स जैसे आप, मैं, हम सब लोग, जो कि बहुत मतलब मिनिमम सा इन्वेस्टमेंट करके रखें, हम लोग कहीं ना कहीं उस डर की वजह से अपने पोर्टफोलियो को बेच देते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था लास्ट वीडियो में, अच्छे क्वालिटी के शेयर कभी नहीं बेचने चाहिए। और अच्छे क्वालिटी के शेयर पहचाने कैसे, कौन सी कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करें बेयर मार्केट में, उसको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहली क्वालिटी जिसको हमें चेक करनी है किसी भी कंपनी में बिफोर इन्वेस्टमेंट, इज द कंपनी का जो एक्चुअल में जो भी सेल्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कंपनी का सेल्स। अब सेल्स कहाँ से चेक कर सकते हैं, हर 3 महीने में कंपनी अपनी बैलेंस शीट अपग्रेड करती है और डालती है उसको NSE और BSE की साइट पे। अगर आप लोग कंपनी की वेबसाइट पे भी जाइएगा, वहाँ पे भी इन्वेस्टर अवेयरनेस और इन्वेस्टर सेक्शन में आपको इन्वेस्टर रिलेशन सेक्शन में सारा डिटेल मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इमीडिएटली उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए और समझने की बार बार प्रयास कीजिए कि कंपनी का सेल्स तो नहीं कहीं डाउन हो रहा है। देखिए दोस्तों, कुछ कंपनीज हैं जो कि कितनी भी मंदी आ जाए मार्केट में, कितना भी मार्केट में स्लो डाउन हो जाए, उसमें कभी भी लॉस नहीं हो सकता है, उसके सेल्स हमेशा बढ़ते रहेंगे। एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि आज के टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, जैसे कि ITC, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी मेरी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, जैसे आशीर्वाद आटा बनाता है, आशीर्वाद का आटा आता है, आशीर्वाद का मिल्क आता है, आशीर्वाद का फूड आता है, वैसे ही हमारी HUL के सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे शैम्पू, साबुन, बेसिक, आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपकी लाइफ से जुड़ा ही हुआ है। इसको तेजी और मंदी से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ कंपनियां हैं जो कि हमेशा ग्रोथ के हिसाब से नहीं, नीच नेसेसिटी और नीड के हिसाब से चलती है। तो उसमें मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, पहले सेल्स को चेक कीजिए। दूसरी चीज़, केवल सेल्स देख के इन्वेस्ट करना, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको सेल्स, बट सेल्स में डिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी का जो रनिंग इंजन होता है, जो रनिंग पावर होता है, वो कंपनी का सेल्स होता है। जहां कंपनी का सेल्स में डिप शुरू हो जाता है, वहां पे कंपनी के लॉन्ग टर्म बेसिकली लॉसेस शुरू होने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों हर कंपनी का जो एक्सपेंसेस है कहीं ना कहीं डे इन डे आउट बढ़ ही रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ड्यू टू इंक्रीज इन सैलरी कॉस्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ लैंड, रियल एस्टेट, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ ही रहा है। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर को चेक करने का, कि कंपनी के ऊपर लोन नहीं होना चाहिए या कम होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ऐसे ही कंपनियों में पैसा डाले जिसमें लोन कम है या न के बराबर है। ऐसी कंपनियों में कभी भी पैसा नहीं डाले जो ऑलरेडी बहुत कर्ज में डूबी हुई है, क्योंकि दोस्तों कर्ज की वजह से क्या होता है, जो भी कंपनी का टर्नओवर होता है ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी के पहले लोन की पेमेंट में ही चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, कंपनी अपने ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन प्लान, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपने न्यू एजेंडाज को फैला ही नहीं पाती है। कंपनी का जो भी पैसा एक जगह पे बनता है, जो अर्न होता है रेवेन्यू सेल्स के थ्रू, वो सारा लोन के रिपेमेंट में चला जाता है। उस वजह से क्या होता है, बड़ी से बड़ी कंपनियों में गजब का स्लो डाउन आ जाता है। उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें वर्किंग कैपिटल या फिर लोन ज़्यादा होता है, जैसे कि स्टील सेक्टर, जैसे कि सीमेंट सेक्टर, जैसे कि हार्डवेयर सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स की कंपनी को, मेरे हिसाब इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर, ये सारे कंपनीज में कहीं ना कहीं लोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लोन को हम लोग यहाँ पे दोस्तों वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो आज के टाइम ऐसे शेयर्स, ऐसी कंपनी जिसमें वर्किंग कैपिटल की नीड और नेसेसिटी ज़्यादा है, कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि हमेशा देखें कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, कंप्लीटली नहीं तो कम से कम पार्शियली डेट फ्री होनी चाहिए। और ऐसे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल जो कि बहुत ज़्यादा कैश रिच है और FMCG में है, जैसे कि एक दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, वो हमारा एक एग्जाम्पल है। तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा कॉन्टैक्ट करें बाइंग करने से पहले कोई भी शेयर। यहाँ पे दोस्तों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी हम कंपनी है, जैसे कोलपाल जिसको हम लोग कहते हैं कोलगेट पामोलिव, या फिर नेस्ले इंडिया, ये भी लिस्टेड कंपनी है, जैसे जिलेट
ये जो जिलेट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जो सब्सिडियरी है, ये सारी कंपनियों के पास इनकी बैलेंस शीट पे, इनके बुक्स पे बहुत हैवी पैसा है। ये कैश रिच कंपनियां हैं, इनके पास लोन की रिक्वायरमेंट है भी तो बहुत कम के बराबर है, इन्होंने बस नाम मात्र का लोन ले रखा है। इसीलिए मार्केट में कितनी भी स्लो डाउन हो जाए, मार्केट में कितना भी पैनिक हो जाए, मार्केट में कितना भी डाउनफॉल आ जाए, इनकी थोड़ी सेल्स कम भी हो जाए, बट याद रखिएगा दोस्तों, ऐसी कंपनियां लॉन्ग टर्म में हमेशा लंबे रेस की घोड़े की तरह काम करेंगी, क्योंकि इसमें खर्चे कम हैं, इसमें कर्जा कम है, इसमें कर्ज कम होने की वजह से क्या हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। जब प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है तो वो घूम फिर के पैसा कमा कौन रहा है, आप मैं और हमारे जैसे शेयर होल्डर्स। तो हमेशा याद रखें, कर्ज मुक्त कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। और मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि जिन कंपनियों के ऊपर कर्ज है वो अच्छा नहीं कर रही हैं, बट अगर आप रेशियो एनालिसिस कीजिएगा, अगर आप एक कंपनी का रेशियो निकालिएगा, तो कर्ज वाले जो कंपनियां हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है एज़ कम्पेयर टू बिना कर्ज वाली कंपनियों का। तो पीटर लिंच, जो कि वर्ल्ड के जाने माने बड़े म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, उनका कहना है ऐसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो जिसके ऊपर डेट ऑब्लिगेशन कम हो, डेट मतलब लोन रिपेमेंट या लोन्स कि जो एप्लीकेशन हो बिल्कुल कैश रिच होनी चाहिए कंपनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस मॉडल होना चाहिए, और कम से कम उसमें डेट की अगर हो तो कहीं ना कहीं कंपनी का आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही मिलना है। चौथी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए, मुझे लगता है अभी तक के बताए गए सारे पार्ट में, एक अच्छा प्रमोटर। मार्केट में हमेशा जो कंपनी चलाने वाला वो एक प्रमोटर है, उसका बेस्ट एग्जांपल अभी हमने देखा सीसीडी के केस में, कैफे कॉफी डे इंटरप्राइजेस के प्रमोटर के सुसाइड के बाद स्टॉक का शेयर प्राइस तकरीबन आधा से भी आधा हो गया, 100 रुपये का शेयर 50 रुपये आ गया, और 100 रुपये से पहले वो शेयर 200 रुपये का हुआ करता था। तो इसका मतलब कंपनी ने अपनी पूरी वैल्यूएशन खो दी। क्यों? क्योंकि कंपनी चलाने वाला ही नहीं रहा, कंपनी को स्टार्ट करने वाला ही बंदा नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, जो कंपनी चला रहा है, जो कंपनी का मैग्नेटिक पावर है, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो कंपनी का चेयरमैन है, जिसके विजन पे पूरी कंपनी चल रही है, अगर वो बंदे की पर्सनालिटी, अगर वो बंदे का अगर सोशल सर्कल और उस बंदे के अगेंस्ट कोई भी किसी तरह की एलिगेशन और मैलफैक्शंस अगर आती है और वो कहीं ना कहीं अगर सही निकलती है, तो इमीडिएटली आपको वैसी कंपनियों को एग्जिट कर लेना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस भी अगर देखा जाए, किंग फिशर हो गई, यूनिटेक हो गई, रिलायंस ग्रुप हो गई, अनिल धीरूभाई अंबानी की, वैसे सारी कंपनियों ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को बेइंतहा तरीके से बर्बाद किया है। तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हमेशा बचें। और पांचवी चीज़ जो कि मैं बार बार और हर वीडियो में कहता हूँ, हमेशा अपने आप पे इन्वेस्ट करते रहें, और अच्छी कंपनीज़ की खोज सबसे पहले पता है कैसे की जाती है, उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदें, उस कंपनी के कस्टमर बने और उसकी सर्विस को यूज़ करें, और आज के आज ही आपको खुद पता चल जाएगा कि उस कंपनी के साथ फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है। तो यही 5 पॉइंट्स के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा, और आशा करूंगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ वीडियो बनाते हैं, हमारा इंटेंशन यही होता है कि हमारे जो भी वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हैं, जो शेयर मार्केट में नए हैं या जिनको इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म में जुड़ने का, उनको हम कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ते रहें। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें और लाइक करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।